धोखे के मामले में नागपुर पुलिस को नागपुर के जीएमएफसी न्यायालय से झटका लगा है। ओके पर नागपुर में चल रहे एक आपराधिक मामले की जांच के लिए उसे पुलिस कस्टडी में भेजने से इनकार कर दिया गया। बुधवार को न्यायालय ने यह फैसला दिया है। गौरतलब रहे कि ओके बंधुओं को नागपुर लाया गया है। दरअसल ओके के खिलाफ खैरू निशा नामक महिला ने शिकायत दर्ज की है। आरोप लगाया कि ओके ने खैरू निशा व उसके पति के साथ वर्ष 2005-06 के दौरान कुल 4 जमीन बिक्री का करार किया था। ये करार पूरा नहीं होने के कारण ओके ने खैरू निशा के खिलाफ 4 दीवानी मुकदमे भी दायर किए थे। इस मामले में आगे चलकर दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया, जिसके अनुसार सतीश ओके को जमीन की पावर ऑफ अटर्नी दी गई, जिससे उन्हें जमीन की बिक्री खरीदी के अधिकार प्राप्त हुए। इसके एक लंबे अंतराल के बाद 31 जनवरी 2022 को खैरू निशा ने सतीश उइके के खिलाफ अजनी पुलिस थाने में भादवी 347, 554, 520 व 420 व अन्य के तहत मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में आगे ईडी ने कार्यवाही करते हुए उइके बंधुओं पर मामला दर्ज किया। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब नागपुर के मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने 2 मई को फैसला सुनाया कि शिकायतकर्ता महिला के पास जमीन के कोई अधिकार ही नहीं थे। ऐसे में कोर्ट ने महिला पर भी मामला दर्ज करने का आदेश सीतामढ़ी पुलिस को दिया था। अब इस मामले में कोर्ट ने पुलिस में नई अर्जी लगाई है और कोर्ट को बताया है कि उन्हें इस मामले में उइके के खिलाफ और जांच करनी है, जिसके लिए उइके की पीसीआर जरूरी है। लेकिन कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद पुलिस की अर्जी ठुकरा दी। आज सतीश उइके और उनके ब्रदर प्रदीप उइके को यहाँ के पुलिस स्टेशन ने पीसीआर के लिए कोर्ट में प्रस्तुत किया था और पूरी आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी लंबी मैराथन आर्ग्यूमेंट्स के बाद ऑनरेबल जेएमएफसी ने उनके पीसीआर के एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और इवन कोर्ट ने यहाँ तक ऑब्जर्व किया कि आईओ जो है उसको कोई भी उनकी क्वेरी का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही प्रिपेयर्ड है। मज़ेदार बात यह है कि इस मामले के अंदर स्टेट ने पीसीआर के लिए सीनियर वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी साहब को अपॉइंट किया था, जिसके लिए जानते हैं कि वो किसके वकील हैं दूसरे मामले में। और एक मामला जो अभी कल ही है कोर्ट के अंदर, जिसमें सतीश उइके कंप्लेनेंट है और अपने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिसमें आरोपी है, जिस मामले में वो उनके वकील है और इस मामले में उनको अपॉइंट किया गया सर। आज के केस में क्या हुआ? आज के केस में उन्होंने पीसीआर मांगा था, उनके एक भी जो मामला था, एक भी उनके जो ग्राउंड्स थे वो पूरे ग्राउंड्स को माननीय जेएमएफसी ने रिजेक्ट किया है और उसको खारिज किया और उनको पीसीआर नहीं दिया है। आर्ग्यूमेंट सुबह करीब 12 बजे से लेकर तो 4 बजे तक चला। आरोपी सतीश भाई ने खुद अपना तरफ से आर्ग्यूमेंट्स किया और प्रदीप भाई की तरफ से शशिभूषण वहाने जी ने आर्ग्यूमेंट किया और उनको मैंने सहयोग दिया। पीएमएलए कोर्ट्स का वहाँ से जो उन्होंने आदेश लेकर यहाँ प्रोडक्शन वारंट लेकर यहाँ पे प्रोड्यूस किया था, उनका यही था कि यहाँ का मामला निपटने के बाद तुरंत उनको फिर से वहाँ मुंबई लिया जाए। लेकिन अभी तक ये पुलिस वालों को हमने बार बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो उनको कहाँ लेके जा रहे हैं। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक मानसिक रिपोर्ट।